और त्रिवेणीगंज अनुमंडल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में साधना न्यूज की टीम पहुंची तो वहां रसोई घर में ताला जड़ा हुआ था। बच्चों की उपस्थिति पंजी भी खाली पाई गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक भी नहीं मिले। पंचायत के वर्तमान मुखिया रामानंद यादव ने कहा कि हमारे पंचायत में स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी चलती है। अभी मैं खड़ा हूँ सुपौल जिले का एक पुड़ियापट्टी पंचायत है और पुड़ियापट्टी पंचायत में प्रवाहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मैं खड़ा हूँ और टाइम के अभी 10:57 अभी हो रहा है और मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ देखिए ये खाना रूम है, रसोई घर, और रसोई घर की स्थिति देखिए अभी ताला लॉक है और ये बच्चे अभी अभी खोल, क्या कर रहे हो बाबू? खोल रहे हैं। खाना तुम लोग को मिलता है यहाँ? कब कब मिलता है खाना? सही सही बोलना बाबू, कब कब मिलता है खाना? इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? रमुतुल्ला। खाना कब कब मिलता है तुम लोग को? सब दिन। हाँ, तो कहाँ अभी खाना है तुमको बोलता है सब दिन, तो कहाँ पर है दिखाओ? आज क्यों नहीं बना? ये देखिए मैं यहाँ और यहाँ देखिए अभी किसी भी तरह का कोई भी चीज राशन नहीं है इसमें। अभी आप देखना, आप थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये चावल है बस, मुझे लग रहा है। पंचायत के मुखिया हैं रामानंद यादव और मेरा कहना है कि मेरा पंचायत में स्कूल का विधि व्यवस्था हर जगह गड़बड़ है। तो हम शिक्षा, तो मुखिया जी ये हमारे पुड़ियापट्टी पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं रामानंद यादव जी और अभी हमारी बात हो रही है, साधारण न्यूज चैनल से बात हो रही है डायरेक्ट, और यह अभी प्रवाहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मुखिया जी भी आए हुए हैं और मैं जानना चाहूंगा यहाँ जो अभी खामियां हैं बहुत सारी अभी जो होनी चाहिए। अभी देखा आपने कि किचन रूम में ताला जड़ा हुआ है, अटेंडेंस नहीं हुआ, यहाँ के शिक्षकों के द्वारा बोला गया कि हमने अभी अटेंडेंस नहीं बनाया, ये हमारी गलतियां हैं। आप इसमें मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपके पंचायत की का ये मामला है? इससे तो पहले आए थे स्कूल में तो देखते थे विद्यार्थी लोग का अटेंडेंस बनता था जी जी, लेकिन आज हम भी संयोग से रखा हुआ है, हम कितना बार आए शिक्षक लोग से भी आग्रह किए कि आप लोग बैठ के जैसे नियमबद्ध होता है स्कूल को तोड़ा के हटा दीजिए, नहीं तो कोई बच्चे की कपार बढ़ जाए, रखा हुआ है, लेकिन बहुत आए तो इस पर कुछ किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ हमारे जो पंचायत में विकास हो, जो पढ़ाई हो वो अच्छे ढंग से हो, तो मुखिया जी से कहीं ना कहीं यह साबित हो रहा है कि हमारे इस पंचायत के मुखिया जो हैं वो काफी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक जो हैं वो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका जो मुखिया जी के बातों से लग रहा और यहाँ के शिक्षकों से लग रहा और यहाँ जो हमने दशा और दुर्दशा जो मैं आपको कैमरे के सामने दिखाया हूँ उससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा जो है हमारी कहां बद से बदतर बिहार में होती जा रही है और हमारी तरफ सरकार की तरफ से दावे हैं कि शिक्षा पर ध्यान दी जा रही है। आप, मैं संजीव कुमार, साधना न्यूज़, सुपौल।